हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहित्य का सपोर्ट। एंड दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैनल आइडिया लेकर के आया हूँ जिसमें सिर्फ आपको अपनी वॉइस कवर करनी है, अपना फेस नहीं दिखाना है एंड आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कंटेंट दोस्तों पहले DN के टैग पर अपलोड किया जाता था जिससे कि उनके 27 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। एंड दोस्तों, अब उन्होंने ये वाला कंटेंट बनाना बंद कर दिया है एंड आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है ऐसा कंटेंट बनाने का। तो दोस्तों, आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना YouTube ओपन कर लेना है एंड YouTube ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है लिटिल भीम कार्टून। एंड इतना सर्च करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे लिटिल भीम के कार्टून यहाँ पर आ जाते हैं, छोटे भीम के कार्टून यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जितने भी आप वीडियोज़ देखेंगे सभी पर करोड़ों पर व्यूज आए हुए हैं। दोस्तों, ऐसा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, इंडिया में ही नहीं हर कंट्री में कार्टून की वीडियो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चैनल मिलेगा, ये वाला नेटफ्लिक्स जूनियर। इस चैनल से आपको दोस्तों लिटिल भीम की वीडियोस ले लेनी है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वीडियो को कैसे लेना है, अगर मैंने आपको बताया तो मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप इन वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, काइनमास्टर की, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी एंड काइनमास्टर को आपको ओपन कर लेना है। एंड काइनमास्टर ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर एंड 1:1 रेशियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आपने वीडियो डाउनलोड करी हो। एंड वीडियो आ जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्लिक करना है, इसका साउंड ऑफ कर देना है, आपके में ऑन रहेगा, इसको ऑफ कर लेना। एंड साउंड ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको इसको राइट क्लिक कर लेना है एंड फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक पैन एंड जूम का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला, इस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों, आपको अपनी 2 फिंगर से इसको जूम करना है एंड ऊपर आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। एंड दोस्तों, यहाँ पर एक आपको एंड पोजीशन पर भी क्लिक कर लेना है एंड इसको दोस्तों राइट क्लिक कर लेंगे। एंड राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में आ जाना है एंड लास्ट में आने के बाद दोस्तों आपको नेटफ्लिक्स जूनियर का यहाँ पर ऐड मिलेगा, इसको आपको कट करना है। तो दोस्तों, लास्ट में हम लोग यहाँ पर जहाँ से ऐड शुरू होता है वहाँ आ जाते हैं एंड क्लिक करते हैं, कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पर क्लिक कर देना है एंड दोस्तों आपका नेटफ्लिक्स का ऐड यहाँ पर चला जाता है। दोस्तों, इतना हमारा काम पूरा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये क्लिप आपकी 2.5 मिनट की है। अब आप शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करोगे एंड उसके लिए आपको दोस्तों सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्लिप के जो मेन पार्ट है उसको कट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग पार्ट रखते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक कर लेना है एंड थोड़ा सा आगे आना है। अब दोस्तों, आपको ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, ये बीच वाला पार्ट हमारा कट जाता है एंड शुरू का और थोड़ा सा बीच का हम लोग पार्ट ले लेंगे एंड थोड़ा सा आगे आएंगे एंड फिर आपको स्प्लिट पर क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से आपको पूरी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, बना लेना है। दोस्तों, आपको मेन पार्ट यहाँ पर ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है मेन पार्ट एंड मेन पार्ट लेने के बाद दोस्तों आपको अब इसमें अपनी वॉइस कवर करनी है। तो वॉइस कवर कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है एंड स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है एंड आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। रिकॉर्डिंग करने से पहले आप वीडियो को पूरा सही से देख लेना एंड उसके बाद ही रिकॉर्डिंग करना एंड रिकॉर्डिंग का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग सही से नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है एंड इस पर क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर लेना है एंड वापस से अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी है। एंड दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा आधा पार्ट सही है एंड आधा पार्ट सही नहीं बना है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक आपका पार्ट सही है वहाँ पर आपको लेकर के आना है एंड ऊपर की तरफ जाना है आपको ऑप्शंस में। यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रिम स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है एंड दोस्तों जो पार्ट आपका सही है उसको छोड़ करके बाकी को डिलीट कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं अपनी रिकॉर्डिंग कम्प्लीट कर लेता हूँ एंड हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है। रिकॉर्डिंग कम्प्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आपको अब अपना टाइटल लिखना है। उसके लिए आपको दोस्तों अपने लेयर पर क्लिक कर लेना है एंड टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों अपना टाइटल टाइप कर लेना है एंड मैंने लिख लिया आज भीम क्या बनाएगा। दोस्तों, आपको टाइटल कुछ ऐसा रखना है ताकि लोग रुकें आपकी वीडियो पर एंड आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड कलर का, इसको आपको इनेबल कर लेना है एंड दोस्तों फुल विद बैकग्राउंड को भी आपको इनेबल कर लेना है। एंड दोस्तों, बीच में दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखेगा, यहाँ पर कलर का ऑप्शन रहता है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड हम लोग ग्रीन कलर यहाँ से ले लेंगे एंड दोस्तों जहाँ पर 50% लिखा है उसे 100% कर देंगे एंड डॉट क्लिक कर लेंगे। एंड दोस्तों, अब दोस्तों इस पर खींच करके इसको बड़ा कर लेंगे एंड इसको ऊपर सेट कर लेंगे एंड इसको राइट क्लिक करके दोबारा से सेलेक्ट करेंगे एंड इस लेयर को खींच करके फुल जहाँ तक हमारी वीडियो है वहाँ तक कर देंगे
एंड अब आपको इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है दोस्तों। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक दोस्तों आपका कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। ऑडियो पे हम लोग क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक हमारा ले लेंगे जो मैंने डाउनलोड करके रखा है। एंड दोस्तों म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, हमारा म्यूज़िक यहाँ से आ जाता है। एंड दोस्तों म्यूज़िक काफ़ी बड़ा हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, म्यूज़िक पर क्लिक कर लेंगे एंड ऑप्शंस में नीचे ट्रिम स्प्लिट पर क्लिक करेंगे एंड ट्रिम टू राइट पर क्लिक कर लेंगे। एंड दोस्तों अब हम लोग फिर से बैकग्राउंड म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों ऑडियो में जाएंगे एंड इसकी ऑडियो को 30% कर देंगे। एंड दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री कहाँ से लें तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। एंड दोस्तों अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट का, सिंपली आप उस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको एक्सपोर्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लगती है। एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।